मेरा भाई और दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बारी और हुनर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी लोगो को डाउनलोड करके उसे फ्लेक्सी में कैसे खोला जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे खोला जाता है। पहले गूगल क्रोम खोल लीजिए। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है बजरंग बली लोगो ब्लैक एंड वाइट। लोगो ब्लैक यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, इंटर कर दिए। ये ब्लैक एंड वाइट आप देख सकते हैं। यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, इमेज में क्लिक करेंगे। इमेज में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत सारा इसमें जो है बजरंग बली का फोटो लोगो आ चुका है। तो इसमें से डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने का तरीका ये है कि आप यहाँ टूल्स का ऑप्शन देख रहे हैं, टूल्स में क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे 5-6 ऑप्शन मिल रहा है। तो इसमें से आप टाइप के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिप आर्ट टाइप में डाउनलोड कर देना। ओके क्लिक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डाउनलोड होगा फोटो वो क्लिप आर्ट के अंदर में ही डाउनलोड होगा। अब क्या करना है, अब यहाँ से आपको ब्लैक एंड वाइट ही लोगों को डाउनलोड करना है, वरना फिर आपका फ्लेक्सी के अंदर में काम करने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला मेरा ब्लैक एंड वाइट है, तो इसका आउटलाइन है तो उसको आउटलाइन को भी हटा देंगे। तो चलिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, सेव एज इमेज। ओके डाउनलोड कर लिए, ठीक है। अब नेट जो है आप ऑफ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये मेरा फ्लेक्सी है, फ्लेक्सी को मिनिमाइज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डाउनलोड के अंदर में ये फाइल मेरा अभी अभी डाउनलोड किया है। ये पहले से, तीनों पहले से था, अभी अभी इसको हम डाउनलोड किया। अब क्या करना है, इसको पहले कॉपी करके इसको यहाँ पे आप पिक्चर में ले जा करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप डाउनलोड्स के यहाँ से जो है फाइल को अगर फ्लेक्सी में खोलेंगे तो आपका हो सकता है नहीं भी खुले, इसलिए कभी भी आप फ्लेक्सी में खोले तो पहले कोई भी मोबाइल से भी अगर डाउनलोड करें या कहीं से भी, तो आप उसको यहाँ पिक्चर में ला करके पहले सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप इसको ऐसे दबा करके और जो है यहाँ पे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप क्या करना है, अब यहाँ पे चले जाए बिटमैट का जो ऑप्शन है विंडो के लेफ्ट साइड में, यहाँ पे बिटमैट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे विक्टोरीज का ऑप्शन है, विक्टोरीज में पॉइंट रखेंगे तो आपका यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन खुल करके सामने आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, बेजियर पे क्लिक कर देना। बेजियर में क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे इसको हटा करके अलग करके देखेंगे तो आपका ये बिल्कुल कटिंग के लायक तैयार हो गया। कंट्रोल एफ करके देखते हैं, लेकिन क्या है कि मेरा ये साइड में आउटलाइन जो है इसको हटाना है। तो क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ अनकंपाउंड सबसे नीचे में जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर साइड वाला को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको डिलीट कर देना। आप कंट्रोल एफ करके देखते हैं तो ये हमारा पिक्चर जो है कटिंग के लायक तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप जो है ध्यान रखिए, कभी भी डाउनलोड कीजिए तो क्लिप आर्ट फाइल में ही डाउनलोड करने का कोशिश कीजिए, और नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के वास्ते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।